गाइस, लास्ट टाइम आप लोगों ने जो जो कमेंट किया था कि सर मुझे भोपाल की ओपनिंग्स बताइए, इंदौर की ओपनिंग्स बताइए, तो उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने ध्यान पे रखते हुए आज की ओपनिंग्स लेके आया हूँ। और ओपनिंग्स कई रेयर लोकेशंस की भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने भोपाल के लिए भी ओपनिंग्स आपके लिए सर्च किया, इंदौर के लिए सर्च किया, और भी बहुत ढेर सारे लोकेशन है। चलिए दिखाता हूँ और आप लोग देखिए मुंबई में कहाँ पर ओपनिंग्स है, पुणे में कहाँ पर ओपनिंग्स है, और कहीं पर चाहिए तो देखिए भाई आपको कमेंट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जहां जहां आपने कमेंट किया था वहां वहां के लिए मैं ओपनिंग्स लेके आया हूँ। एक और चीज करना चाहूंगा, कई लोग यहाँ पर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि सर क्या बोलते हैं सिलेबस क्या रहता है गुरुकुल का, 5 जनवरी से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो दोस्त शायद अगर मैं आपको ये रिप्लाई नहीं दे पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम लाइव बैचेस में रहता है। आप ये पहले वाले नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, या फिर आपको नीचे एक लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको कि क्या हम लोग 4 महीने में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आपके सारे क्यू एन ए का एक लाइव सेशन होता है, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मेरे टीम के लोग खुद ही आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए दिल से सॉरी भाई, क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम लाइव बैचेस में रहता है तो वक्त थोड़ा कम मिल पाता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ओपनिंग्स कहाँ कहाँ पर है। याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको तकलीफ ना हो, या फिर नीचे कमेंट कर दीजिए सर आई एम इंटरेस्टेड, तो मेरे टीम को लोग आपको हेल्प कर देंगे। चलते हैं, देखते हैं भाई। मैत्रिया कंसल्टेंट करके कंपनी है औरंगाबाद की, जिनको बी मॉडलर चाहिए। अब बी मॉडलर के लिए आपको रट जाना चाहिए कि बी मॉडलर मतलब रेबिट का आवश्यकता पक्का है, बी आई एम या फिर कैट टू बी आई एम का आवश्यकता पक्का है, बी आई एम को वर्क फ्लो समझना पक्का है, बस इतना सा नॉर्मल सा काम है। तो एज अ फ्रेशर आप आराम से इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आप औरंगाबाद के अंदर एक अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। आज की ओपनिंग थोड़ी ज्यादा ज्यादा है गाइस। एक कंपनी है एटकिंस रियल्स करके, और ये मुंबई के लिए है, बी आई एम मॉडुलर की इनकी ओपनिंग से, एक एमएनसी है ये, ठीक है। और इनके पास बी आई एम मॉडुलर की ओपनिंग से आप देख लीजिए इनकी जो जरूरतें हैं उनको अगर आप फुलफिल कर पाते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट में दे रखा है इन्होंने कि उनको क्या क्या चाहिए, 2D सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, ऑटोकैड वगैरह या फिर माइक्रो स्टेशन आ रहा है तो मच बेटर है। उसके अलावा जैसे कि आपके सिविल का स्ट्रक्चर वर्क, पाइपिंग वर्क, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हर तरीके का वर्क इनके पास मिक्सअप है। और इनका सबसे ज्यादा फोकस है कि आपको काम का नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आईटीआई हो, डजेंट मैटर फॉर देम, दे जस्ट वॉन्ट कि उनका काम आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है, और इस ओपनिंग्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ डायमेंशन ग्रुप करके है। गाइस आप लोग में से कई लोग मैं देखता हूँ कि यार आप इतना सर्च करता हूँ, इतना आपके लिए वक्त देता हूँ, तो आप लोग लाइक तो जरूर कर दिया करो। दूसरी चीज कमेंट भी किया करो कि आपका काम सर कैसा लग रहा है, और क्या बोलते हैं, या फिर हो सके तो शेयर, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट किया करो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। बीआईएम आर्किटेक्ट की जो प्रोफाइल है, यहाँ पर फोर्थ डायमेंशन ग्रुप करके पुणे की कंपनी है, जिनको एमआर के वीआर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एलओडी की भी लिए। लेकिन जैसे कि आपके पास बीआर के एमआर दिखा तो इसके बाद भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर हो सकती है कोई और भी प्रोफाइल पर ओपनिंग हो तो, जिसके बारे में इन्होंने अभी तक पब्लिश ना किया हो, या फिर कोई अचानक से छोड़ के जा रहा हो उसके लिए भी ओपनिंग चाहिए। तो हमेशा कहीं के भी ओपनिंग्स हो, अगर आपके पास बीआईएम का नॉलेज है, बीआईएम की कंपनी है, तो बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जीसोर्स टेक्नोलॉजी करके, बीआईएम में अच्छा भी काम कर रही है जीसोर्स, फ्रेशर्स लेवल के लोगों को भी हायर करते। देखिए आप 0 to 9 month लिखा हुआ है, ठीक है। और एलओडी 200, एलओडी 300 सीखने के परस्पेक्टिव से काफी अच्छी कंपनी है। स्कैन टू आर्किटेक्ट मतलब स्कैन टू बीआईएम का काम है इनका, ठीक है। रेबिट पर काम करते हैं, 3D मॉडलिंग बनाते हैं, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, बहुत नॉर्मल काम है, ठीक है। फ्रेशर्स लेवल पे बहुत बेस्ट ओपनिंग से आप आराम से अप्लाई कर दीजिए जिस सोर्स के पास, इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए या फिर यहाँ से ही कर दीजिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है बीआई मॉड्यूलर के लिए सेंस जियोमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी ओपनिंग्स के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, तो आप तुरंत वहां से जाके डाउनलोड, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। और या फिर हमारा एक चैनल है, जिस चैनल मतलब कि व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर भी दे देता हूँ, तो आप बस क्लिक करिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है सेंस जियोमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, इनके अभी मॉड्यूलर की ओपनिंग से फिर से। लेकिन अच्छी बात यह है कि बी मॉड्यूलर में रेवी स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग है, जिसमें आपको रेनफोर्समेंट लगाना आना चाहिए, बीवीएस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, डिटेलिंग करना आना चाहिए। देखिए वही सब लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि बीम स्ट्रक्चर्स में कोई बीम स्ट्रक्चर्स के लिए हायर कर रहा है तो क्या पूछेगा, ठीक है। तो वही वही पूछेगा जो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और फिलहाल इन्होंने लिख भी रखा है, कुछ ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं, आप जस्ट आराम से इसको एक एक करके तैयार कर लीजिए और इंटरव्यू के लिए जाइए। इंटरव्यू में जाने के लिए हमेशा याद रखिए, अगर ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब रिक्वायरमेंट है, उसे पूरी तरीके से पढ़ के तब जाना चाहिए, ठीक
तो बेहतर रहता है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो एर्थ करके कंपनी है, 4D बीम इंजीनियर, मतलब इनका 2900 पर पक्का काम होगा। आइए देखते हैं इनका काम किस चीज पे इन्होंने करना है। ठीक है, इनको देखिए रेविट पर काम तो चाहिए चाहिए, बट 4D सिमुलेशन जिसके लिए आप यहाँ पर इनके इन हाउस सॉफ्टवेयर जैसे कि फ्यूजर, सिंक्रो टू एनालाइज द कंस्ट्रक्शन क्लास डिटेक्शन वगैरह निकालने के लिए। तो सिंक्रो जो होता है ये जस्ट लाइक 2900 काम करता है, तो मतलब इनको सिंक्रो ये लोग यूज करते हैं। तो आप इसका अगर नॉलेज रखते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप अगर नेविस्वर भी आपको आता है तो आप आराम से अप्लाई कर दीजिए कि आप लिखा हुआ इन्होंने नेविस्वर फ्यूजर सिंक्रो, तो आप नेविस्वर का आता है तो अप्लाई कर दीजिए। और एक अच्छी एमएनसी है जिसमें आपको काम करने का मौका मिला तो बेटर होगा। नेक्स्ट जो कंपनी का इस वो है वर्चुअल डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, मैं कुछ ज्यादा ही उपनिंग सलाह देता हूँ एक साथ ही, तो क्या बोलते हैं इसमें शायद आप लोगों को असुविधा होती है, कोशिश करूंगा कि 10-10 ओपनिंग्स लेके आऊँ, आज तो 21 ओपनिंग्स है आपके पास। बीम इंजीनियर करके ओपनिंग्स हैं और इनको चाहिए वर्चुअल डिजाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैदराबाद, क्योंकि लास्ट टाइम लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने कहा भाई जब आपने कमेंट किया है तो आपने अपना काम किया तो मुझे अपना काम करना चाहिए। ऑटोकैड चाहिए इनको, नेविस्वर चाहिए, रेविट चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए कुल मिला के, क्योंकि सैलरी इनकी ठीक ठाक वाली है, तो ठीक ठाक सैलरी मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए तभी सिलेक्शन होगा, अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो टेक्सास करके कंपनी है इंदौर के लिए, मैंने बोला था ना इंदौर आप लोगों ने कमेंट किया था, तो इंदौर में भाई बीम इंजीनियर और असिस्टेंट बीम कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, मतलब 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। अगर आपको रेबिट एपीआई आता है तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, बाकी ऑटोकैड तो चाहिए ही चाहिए इनको, रेबिट एमवीपी भी चाहिए, नेविस्वर्क भी चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल की प्रोफाइल है। बट आपको जो भी आता है उसका यहाँ पर पोर्टफोलियो भेजना, रिज्यूम भेजना मत भूले, हो सकता है इनके पास बी मॉडलर की फ्यूचर में ओपनिंग हो तो फिर जो इंदौर के हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, खासतौर से एमपी वालों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस ये फ्रेशर लेवल की है, बी मॉडलर आर्किटेक्चर डिजाइनर के लिए, ये चाहिए पैलेडियन डिजाइनर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में है, इंदौर वाले जानते होंगे। रेबिट आर्किटेक्चर चाहिए, ऑटोकैड चाहिए, मतलब एकदम फ्रेशर लेवल की वो प्रोफाइल है। डायरेक्ट आपको नंबर दिया है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर मेल आईडी दिया है तो ज्यादा सोचना है, बस सप्लाई कर दो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है ग्लैक्स कंसल्टिंग करके इंदौर के लिए, क्योंकि इंदौर के कमेंट 2-3 आए थे, ठीक है, तो ये इंदौर के लिए है ये, इनको फुल टाइम परमानेंट फ्रेशर इंटर्नशिप सब चलेगा, ठीक है, तो ये मतलब छोटी कंपनी होगी ग्लैक्स कंसल्टिंग करके, आप सर्च करिए इनके बारे में। और ये आर्ची कैट चाहिए इनको, आर्ची कैट इज जस्ट लाइक रैबिट, तो आप टेंशन मत लीजिए, रैबिट की बेसिस पे आपको हायर कर लेंगे वो। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है पुणे के लिए आईक्वेस्ट कंसल्टेंट करके, इनका स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल है, बट इनकी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है वो फैकेट डिजाइन के लिए है, ठीक है। आजकल फैकेट डिजाइन भी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, तो अगर आपका इसमें करियर बनता है तो ये समझिए पूरी तरीके से ब्राइट है, क्योंकि आगे फैकेट डिजाइन का ही टाइम आ चुका है, ठीक है जी। तो आप इनके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है स्ट्रक्चर डिजाइन ब्रिज के लिए, आप लोगों ने भोपाल में कमेंट किया था बट भोपाल में गाइस क्या हुआ बीआईएम की कोई ओपनिंग सी नहीं चल रही है, ठीक है, मैंने पूरा सर्च किया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों ने किया था, जिसने किया था कमेंट करना कि सर मैंने किया था, आप में से किया था तो मैंने सर्च किया था प्रॉपर बट नहीं मिली, तो मुझे मजबूरन क्या बोलते हैं ब्रिज का जॉब लेके आना पड़ा। बट ये ऑटोकैड और स्टैट प्रो पे ही है, तो जो भी स्ट्रक्चर्स वाले बैच के बच्चे होंगे या फिर जो मेरे ऑल इन वन के स्टूडेंट होंगे उनके हेल्प में आराम से हो जाएगा ये चीज़। और लेकिन ये थोड़ा सा बड़ी कंपनी है तो एक्सपीरियंस भी इनको लगेगा ही फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है कंपनी स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, किसके लिए है स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए है, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए सागर ग्रुप करके कंपनी है जो कि भोपाल में ही है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो इनके लिए इनके सन बेनिफिट मिलेगा आपको, और इनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा है इन्होंने, बट जैसा इन्होंने सैलरी का क्राइटेरिया रखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला तो कोई नहीं जाने वाला है, तो आप आराम से जा सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए भोपाल वाले लोग। गाइस कहीं का छूट रहा है कि सर मेरे यहाँ का ओपनिंग बताइए, तो एक बार कमेंट करने में क्या जाता है आपका, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा यहाँ की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ का सर्च करना चाहिए, तो कमेंट जरूर किया करिए। और अगर आप में से किसी को भी प्रॉपर बीआईएम सीखना है तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, क्योंकि बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। अगर 4 महीने मेरे पास सीख गए, ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आप मई छोड़िए, आप अप्रैल में ही किसी भी कंपनी का बीआईएम का इंटरव्यू क्रैक करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दिया हुआ है, आप लोग मेरी टीम से कंसल्ट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चरल कैट टेक्नीशियन गाइस, इनको चाहिए कंपास इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की ओपनिंग है ये, ठीक है। इनको सिविल डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ काम से, आपको काम अगर आता है तो दे आर गोइंग टू हायर यू, ठीक है जी। तो ये है
स्ट्रक्चरल कैट टेक्नीशियन की ओपनिंग्स। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस वो मेक माय हाउस। इस कंपनी का नाम मैंने काफी सुना है इधर भी रिसेंटली, बट मुझे ज्यादा इस कंपनी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर मैं मेक माय होम में हूँ या वहाँ पर इंटरव्यू दिया ऐसे करके। ऑटो कैड स्टैट प्रो ई टैब्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, मतलब कुल मिलाकर स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप मतलब कि उनके हिसाब से तो मैंने ठीक ठाक ही सुना कंपनी का नाम, तो आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो मच बेटर है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है बीम आर्किटेक्ट के लिए। किसके लिए है? बीम आर्किटेक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड एसोसिएट्स करके कंपनी है लखनऊ की। किसी ने कमेंट नहीं किया बट मैंने कहा यार करते हैं थोड़ा सा लखनऊ की ओपनिंग सर्च करते हैं, तो ये लखनऊ की अच्छी ओपनिंग्स थी बीआईएम की। और मुझे भी बड़ा ताजुब हुआ क्योंकि बीआईएम की ओपनिंग्स लखनऊ में बहुत कम होती है, तो यहाँ पर है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी वो भी बी ए बी इंटरनेशनल करके लखनऊ के लिए ही है, और ये इनको भी बी मॉड्यूलर ही चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनकी जो रिक्वायरमेंट, अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो आप इनको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो कंपनी है यहाँ पर शाहपुर जी बालन जी, जो कि बरूना उत्तर प्रदेश में है। बरूना आई थिंक लखनऊ के पास में ही है, मुझे नहीं पता है, अगर मैं वैसे उत्तर प्रदेश से ही हूँ बट मुझे नहीं पता है कि बरूना कहाँ पे है, किसी को पता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग से शाहपुर जी बालन जी का बीम इंजीनियर की प्रोफाइल में, और बीटेक चाहिए इनको या फिर आप किसी भी डिग्री से किया हो, मेन आपके पास नॉलेज होना चाहिए मॉडलिंग का, अगर है तो अप्लाई कर दीजिए आप। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइज वो कंपनी है यहाँ पर वर्चुअल कंस्ट्रक्शन सोल्यूशन नासिक की। ठीक है, इनका काम मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, मैं इनकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा था, तो इनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए, फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 19,000 से इन्होंने सैलरी स्टार्ट किया हुआ है, तो बेसिकली इनको फ्रेशर्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर दीजिए इनके यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है एक्सलाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज, नासिक में ही है। ठीक है, देखो मैंने एकदम चुन चुन के लाया हूँ ओपनिंग्स, कहीं के छूटा है तो कमेंट जरूर करना। बी मॉड्यूलर की ओपनिंग से, और इनके आप अप्लाई कर सकते हैं आप बी मॉड्यूलर के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है कैप्स स्टूडियो आर्किटेक्ट करके, ये भी नासिक की ओपनिंग है, जो कि लास्ट ओपनिंग है आज की। ठीक है, इनको भी सिंपल वही स्केचअप चाहिए, रेविट चाहिए, ऑटोकैड चाहिए। ये सारे जो चीजें देख रहे हो आप लोग, ये सारी चीजें आपको हमारे यूनिक सिविल वेबसाइट पर, यूनिक सिविल की जो वेबसाइट है वहां पर भी मिल जाता है, और यूनिक सिविल के ऐप पे भी मिल जाएगा। हमें पता होता है गाइस कि क्या पूछ सकते हैं किसी भी बीम की ओपनिंग्स में, किसी भी स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग में, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग वीकेंड्स में Q&A सेशन भी रखने का प्लान कर रहे हैं। आप लोग बताइए कैसा रहेगा Q&A सेशन, तो Q&A सेशन भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। क्या Q&A सेशन का आइडिया अच्छा रहेगा, मतलब वीकली आपके डाउट्स जो भी रहे माइंड में वो क्लियर हो जाए, तो अगर आप लोग चाहें कि सर Q&A सेशन भी रखिए, जैसे कि आपने बोला पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट लेके आया, आपने बोला जॉब ओपनिंग्स, में जॉब ओपनिंग्स लेके आया, अब आप कमेंट करिए कि आपको Q&A सेशन भी चाहिए क्या बीच बीच में, जैसे कि सैटरडे को या फिर संडे को, वंस अ वीक एटलीस्ट क्या ऑनलाइन Q&A सेशन रखा जाए। डू कमेंट, अगर आप लोग बोलते हैं तो जरूर इसको भी प्रभावशाली तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट बन चुका है ऑलरेडी, जो संडे को आने वाला है, उसके आगे कभी अभी जल्दी ही बना देंगे, तो आपका रेगुलर पॉडकास्ट तो आ ही गए, ओपनिंग्स आ ही रही है, क्या आपको Q&A सेशन भी चाहिए क्या, आप कमेंट करिए, जैसा आप लोग का आदेश रहेगा उस हिसाब से किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अप्लाई कर दीजिए जॉब में, अगर आपको लगता है सर मेरे काम का नहीं है तो किसी और को शेयर कर दे यार, उसका भी भला हो जाए। चलिए, कर भला, हो भला, जय हिंद, जय भारत।